हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में आपको कुछ इस तरीके का बैनर बना के दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे इस मेरे पोस्टर में देख सकते हो, और ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हो, जो बैनर पोस्टर, इसका PLP फाइल और PNG दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस बैनर को, इस डिज़ाइन को आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको इस नए वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम ना लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको इस बैनर को, इस पोस्टर को बनाना है, उसके लिए आप जो इस वीडियो को देखिए। तो चलिए टाइम लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो PLP फाइल और PNG है उसका डाउनलोडिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा है। पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 5 है, पासवर्ड 8 है, ऐसा करके तीन जगह पर बोला जाएगा। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चलिए फटाफट टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब में आना है। जैसा पाओगे आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आने वाले साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो जो फोल्डर रहेगा उसका नाम रहेगा दीपक करके। तो यहाँ पे देखोगे दीपक के नाम से फोल्डर, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो बैनर है आपका, उसका बैकग्राउंड, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक न्यू टच दिख जाएगा, एक ही ऑप्शन पर आकर इसको डिलीट कर देना है। प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है अभी आपको। उसके बाद फ्रॉम गैलरी चले जाना है और यहाँ पर आपको जो भी PNG मैंने दिया हुआ है उसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए जो भी मैंने PNG दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे ओपन करके सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लगभग मैंने इतना ही PNG दिया हुआ है अपने बैनर में, और यहाँ पे अभी मैं अपना बैनर जो है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने जो लेडीज़ का फ़ोटो दिया हुआ है उसको भी मैं, चलिए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए। ये लेडीज़ का मैंने 2 फोटो दिया हुआ है, आप लोगों को दोनों में से जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप कोई वैसा फ़ोटो लगाना चाहते हो, कई सारा फ़ोटो, तो ये जो मैंने पीछे येलो कलर का जो डाला हुआ है इसको आपको बंद कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर कितना भी सारा फ़ोटो ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखने के लिए बनाया हुआ है मैंने ऐसा। पासवर्ड 6। और बाकी यहाँ पे मेरे बैनर में देखोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको लिखने के लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नया टेक्स्ट लेना है। एक ही ऑप्शन पे जाना है, एडिट के ऑप्शन पे जाना है। जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसको यहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद कीबोर्ड को हिंदी में यहाँ पे कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो टाइपिंग कर लेना है, पहले मैं 4 लाइन दे देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको बीच में सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ मैं स्पेस देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ श्री गणेशाय नमः करके। तो यहाँ पर मैंने श्री गणेशाय नमः लिखा, और मैं बैक आता हूँ, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ मेरा टेक्स्ट आ चुका है, इसका साइज़ मैं यहाँ पे छोटा करके इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर दे रहा हूँ। कलर के ऑप्शन भी जाता हूँ, जो भी आपको कलर पसंद है यहाँ पे आप उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूँ, प्लस के ऑप्शन जाके इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। राइट के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर मैं चले जाता हूँ फॉन्ट के ऑप्शन पर। जाने के बाद यहाँ पर चलिए मैं कोई एक अच्छा सा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो भी फॉन्ट रखे हो अपने बैनर पोस्टर में बनाने के लिए, जो भी आप यूज करते हो, वो फॉन्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। नीचे मैं ओके कर देता हूँ, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इसको यहाँ पर सेट करके जाता हूँ मैं स्ट्रोक के ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर लेता हूँ। स्ट्रोक में मैं यहाँ पे जो वाइट कलर दे रहा हूँ स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, इसका मैं कॉपी ले लेता हूँ। और यहाँ पे अभी आपको अपने दुकान का नाम लिखना है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ दीपक कलेक्शन, मैंने अपने बैनर में जो लिखा हुआ है दीपक कलेक्शन करके। तो यहाँ पर मैं जो दीपक लिखता हूँ, दीपक क्लोथ सेंटर लिखा था मैंने यहाँ पे, दीपक कलेक्शन आपको बता रहा हूँ। तो दीपक क्लोथ सेंटर मैंने लिखा। यहाँ पे आपको जो भी आपके दुकान का नाम रहेगा वो लिखोगे, ओके कर देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा, इसका साइज़ आपको बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद अभी आपको कलर के ऑप्शन पे जाना है, जो भी आपको कलर पसंद करते हो वो कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने जो बैनर में पोस्टर बनाया हुआ है उसमें मैंने जो ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है, तो मैं कलर के ऑप्शन पे जाकर ग्रेडियंट कलर को सेलेक्ट करता हूँ। प्लस के ऑप्शन क्लिक करता हूँ मैं, ये मेरा जो कलर दिख रहा है ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट करके कलर के ऑप्शन पर, यहाँ पर कलर का ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करके रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ। नीचे ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा जो पहले से ही डार्क कलर है इसको मैं रहने देता हूँ, और इस रेड कलर को थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ। नीचे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक करके इसका जो आउटलाइन है स्ट्रोक है उसको मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, शैडो के ऑप्शन भी आके इसको मैं इनेबल करता हूँ। और यहाँ पे मैं शैडो में ब्लू का जो आसमानी कलर होता है ये कलर दे देता हूँ मैं। ब्लरेड इसको कम कर देता हूँ। आउटर ग्लो को इनेबल करके मैं आउटर ग्लो को थोड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ चुका है मेरे इस टेक्स्ट में। और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है इसको आपको, यानी मेरा जो टेक्स्ट है थोड़ा सा छोटा नीचे दबा हुआ दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए मैं चले जाता हूँ यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव के ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर लेता हूँ और इधर से नीचे से मैं खींच देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पासवर्ड 7। और इधर से भी खींचना पड़ेगा ताकि लेवल में एक लेवल में बड़ा हो कुछ इस तरीके से। और ऊपर मैं अभी राइट का उसमें क्लिक कर देता हूँ, तो देखोगे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट थोड़ा सा उठ के दिखने लगा है। तो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। बाकी यहाँ पे आप इस नीचे देखोगे तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर और नाम डाला हुआ है तो आप लिख सकते हो, उसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के रेडीमेड फंसी कपड़े व वैवाहिक साड़ियाँ उचित मूल्य पर मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके दुकान में जो भी मिलता है, यहाँ पे फिलहाल मैंने लेडीज़ का फ़ोटो लगाया है तो उसके हिसाब से साड़ी का ही दुकान रहेगा, तो मैंने यहाँ पे साड़ी के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप जो है जेंट्स का भी कपड़ा रखते हो, बच्चे लोग का भी कपड़ा रखते हो तो आपके दुकान में रहता है, तो उस हिसाब से आप जो है अपना बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक करके दिखाया हुआ है, इतना ही आपको यहाँ पे करना है। बाकी नीचे आते तो यहाँ पे आपको एक शेप देखने के लिए मिलेगा, शेप बनाने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया शेप लेना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगा, इस शेप को यहाँ पे लाना है, इधर से साइज आपको बड़ा कर देना है, ऊपर से साइज आपको कम कर देना है। कम करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है कलर के ऑप्शन पे, जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ पे आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कलर सेलेक्ट करने के बाद ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है, लेयर के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपका ये जो डॉट है इस पर क्लिक करके लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो देखोगे आपका जो पीछे साइड में शेप चला जाएगा। अभी आप इसके ऊपर आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, वो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ करना है जैसे मैंने यहाँ पे जो है श्री गणेशाय नमः और दीपक क्लोथ सेंटर करके लिख के दिखाया, उसी तरीके से लिखना है। तो वो आप लिख सकते हो, सेम काम करना है, सेम चीज़ करना है, इतना ही काम करना है एक दीपक यानी कपड़े के दुकान का बैनर पोस्टर बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जो भी तरीका था लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे चाहते हो जो मेरा बैकग्राउंड उसका कलर चेंज करना, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा आपको, और यहाँ पे आपको इस पे नहीं, यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ह्यू करके, HUE करके स्पेलिंग है, यहाँ पे देख सकती है रहा ऑप्शन, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको आगे पीछे करना है। जैसे आप इसको आगे पीछे करोगे तो देखोगे आपका जो बैकग्राउंड का कलर है दोस्तों वो चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे इसमें जो है कलर चेंज करने के बाद इसका जो कलर है वो डार्क और हाईलाइट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो इतना ही, चलिए दोस्तों आज की इस नई वीडियो में बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी वीडियो में जो भी पासवर्ड आपको बोल के बताया गया, वो पासवर्ड अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो पासवर्ड आपको मिल गया होगा। तो जाइए आप भी इस तरीके के बैनर को बनाना चालू कीजिए, बैनर को बनाइए। जो भी चीज़ था, जो भी बताना था, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चलिए आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हो पासवर्ड 1 तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।